बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर कोनेहामा नौगाम इलाके में एक संदिग्ध बैग मिला और इस संदिग्ध बैग में आईईडी था जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। संदिग्ध बैग में आईईडी होने की जानकारी जब यहां पर मिली तो उसके बाद में यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल इकट्ठा हुए और सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। ये देखिए, निष्क्रिय करने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, दरअसल ये कितना जोरदार धमाका था। ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक थी। नेशनल हाईवे पर ये बैग रखा गया था और लगभग 1 किलो आईडी इसमें होने की जानकारी है। मेरे सहयोगी इदरीस लोन मेरे साथ में है और इदरीस, सबसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन उसके पहले ये जब बैग मिला, इस पूरे आईडी को निष्क्रिय किया गया, तो इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। या मॉर्निंग में अराउंड आरओपी पार्टी ने हमारी कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट देखी थी, उसको भी हमारी जॉइंट पार्टीज ने सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी ने डिटेक्ट किया है और अभी आपके सामने डिफ्यूज़ किया है। थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैफिक रोका था, दैट्स नाउ रिस्टोर्ड। तो सुना आपने, एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद में जॉइंट ऑपरेशन जो है उसके तहत इसे निष्क्रिय किया गया है। मेरे सहयोगी इदरीस उन्होंने मेरे साथ में, इदरीस जो तस्वीर हमने देखी इसको ब्लास्ट करने की, इसको निष्क्रिय करने की, वो उसको देखकर समझा जा सकता है कि कितनी तीव्रता इस पूरे आईडी ब्लास्ट को लेकर है, यानी कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जिस जगह पर यह बैग मिला उसके जरिए जरा समझाइए, साजिश किस तरह की होगी, कितना बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे आतंकी। जी बिल्कुल नैना, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले जहां पर हम खड़े हैं इसी स्पॉट पे, इसी ब्रिज पर जो है एक संदिग्ध बैग मिला था जिसमें आईडी रखी गई थी। 1 से 1.5 किलो कहा जा रहा है वो आईडी की मात्रा थी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है उन्होंने पहले ही कॉन्वॉय मूवमेंट से पहले ही उसको डिटेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको इस ब्रिज से, क्योंकि ब्रिज को काफ़ी नुकसान हो सकता था इसलिए ब्रिज से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है उन्होंने उसको शिफ्ट करके खेतों में कर वहां पर डिफ्यूज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो तीसरा ऐसा अटैक श्रीनगर सिटी का जहां पर मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इनपुट्स भी थे कि आईडी एक नई स्ट्रैटेजी मिलिटेंट्स के पास है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते की अगर हम बात करें तो तकरीबन जितने भी हाइड आउट्स बस्ट हुए हैं उनमें आईडी और आईडी मटीरियल जो है वो काफी मात्रा में रिकवर हुआ है। मिलिटेंट स्ट्रैटेजी इस साल की यही लग रही है कि आईडी से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया जाए, पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफ़ी सतर्क है क्योंकि पहले से ही रेड अलर्ट और इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और आज एक बहुत बड़ा हमला जो है यहां पर अंजाम दिया जा सकता था हाईवे पर, जहां पर ना ही सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियाँ पर सिविलियन ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रश में रहता है और बहुत बड़ा धमाका जो हमने देखा इससे हुआ और पूरा ब्रिज जो है कोलैप्स हो सकता था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। बिल्कुल इदरीस, आप बने रहिए हमारे साथ में, अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं और दर्शक समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे। ये निष्क्रिय किया गया आईडी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं, श्रीनगर में दरअसल एक ब्रिज पर एक संदिग्ध बैग में ये आईडी भरा हुआ था, बड़ी साजिश को अंजाम। लेकिन इदरीस, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, हमने हाल ही में तस्वीर देखी थी, आतंकी ने पुलिसकर्मियों को श्रीनगर में निशाना बनाया था, यानी ये कहा जाए कि पहले घाटी के जो सेंसिटिव एरियाज है अब उनसे अलग श्रीनगर जैसी जगह पर भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है।
जी बिल्कुल नैना, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो तीन ऐसे अटैक्स जो हैं, पहला अटैक जो था वो दुर्गानाग में जो ढाबा ओनर है उनको गोली मार दी गई, जिसके बाद बागात का अटैक हुआ जहां पर दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, और आज ये तीसरा अटैक है जो कि श्रीनगर सिटी में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दो अटैक्स जो हुए थे वो TRF ने उनकी जिम्मेदारी ली थी, और उनका जो स्टेटमेंट आया था उसमें क्लियरली ये भी लिखा गया था कि श्रीनगर में जो आने वाले दिन हैं उनमें अटैक्स जो हैं काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज के पास पहले से ही इनपुट्स थे नैना कि आने वाले दिनों में श्रीनगर में अटैक्स हो सकते हैं, जिसको देखकर रोड ओपनिंग पार्टीज जो है हर जगह पर मौजूद हैं, चाहे वो कॉन्वॉय मूवमेंट हो या सिविलियन मूवमेंट हो, उसको देखकर पहले ही इलाकों को सैनिटाइज किया जाता है। और स्पेशली अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो आज भी नेशनल हाईवे की रोड ओपनिंग पार्टी को ये संदिग्ध पैकेट मिला, जिसके बाद वो चाहते थे कि जो सड़क है, जो हाईवे है, ब्रिज है, वो उसको नुकसान ना पहुंचे, उसके बाद उस बैग को जो है शिफ्ट कर दिया गया और फिर डिफ्यूज कर दिया गया। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया इदरीस, आपका शुक्रिया। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है, अंजाम देने से रोका गया है, जो साजिश थी उसे नाकाम किया गया।